हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सैलरी शीट टाइप वन, हाउ टू कैलकुलेट द बेसिक सैलरी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने डेटा बनाया हुआ है, उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा नेम, सैलरी, अलाउंस, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, टैक्स एंड नेट। यहाँ पे है मेरे एम्प्लॉय का नाम A1, उसकी सैलरी है 10,000, मुझे उसका अलाउंस फाइंड आउट करना है। अलाउंस बेसिकली कितना भी हो सकता है, अलाउंस होता क्या है नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा बोनस बोल सकते हैं, इंसेंटिव बोल सकते हैं, जो सैलरी के ऊपर हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो हमारा अलाउंस होता है। और नॉर्मली इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है, इक्वल्स टू सैलरी लिखना नहीं है, सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जाम्पल कंपनी आपको 5% का अलाउंस दे रही है, एंटर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको आपकी सैलरी के ऊपर 500 का अलाउंस मिलेगा। आप यहाँ पर ड्रैग करोगे तो आपको बाकी सबका भी मिल जाएगा। ओके, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड के हर महीना हमारी सैलरी में से कितना पैसा डिडक्ट होगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है, जब भी आपका जॉब क्विट करोगे तो जितने भी हमारे पीरियड का फंड रेज हुआ है वो हम लोगों को वापस मिल जाएगा। तो इसके लिए इक्वल्स टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय से कंपनी 2.5% का पीएफ कट करिए हम लोगों की सैलरी में से, तो 250 रुपीज़ हमारी सैलरी में से एवरी मंथ लेस होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स। बड़े बड़े एमएनसीज में क्या होता है कि लोग प्रोफेशनल टैक्स और वेस्ट टैक्स हमारी सैलरी में से डिडक्ट करते हैं, तो सेम तरीका है, इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय जैसे कंपनी 0.3% का पीएफ कट कर रही है, एंटर, तो 30 रुपीज़ हमारी सैलरी में से एवरी मंथ क्या होगा, लेस होगा। और नेट के ये सब जाकर इन हैंड मेरे हाथ में कितनी सैलरी आएगी, तो इसके लिए इक्वल टू सैलरी प्लस अलाउंस माइनस पीएफ माइनस टैक्स, एंटर, तो यहाँ पे आपको आपका नेट मिलेगा। आपकी सैलरी थी 10,000 रुपीज़, अलाउंस 500 मिला आपको, 250 कटा और 30 जो आपका टैक्स है वो भी कटा, तो इन शॉर्ट आपके हाथ में आएगा 10,220 रुपीज़। ये था हमारा सैलरी शीट टाइप वन। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक भी बताती हूँ, सैलरी शीट टाइप टू। जो टाइप वन था वो काफ़ी सिंपल था, टाइप टू में सिर्फ ट्विस्ट इतना है कि यहाँ पे आपको अलाउंस की कंडीशन दी गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मेरी सैलरी 15,000 से कम है तो मुझे 0% अलाउंस मिलेगा, 15,000 से 20 के बीच में है तो 2% का मिलेगा, 20,000 से 30,000 के बीच में सैलरी तो 6, 30 से 60 के बीच में तो 10, और 60 से एक्सीड हो गया तो 12%। यहाँ पे मुझे मेरा अलाउंस फिक्स करके दिया होगा कि अगर इतना है तो मुझे इतना ही मिलेगा, तो इसके लिए मैं लगाऊंगी इक्वल टू IFF ब्रैकेट ओपन, इफ माई सैलरी इज लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन है मेरी 15,000 की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अपन 15,000 से कम है तो यहाँ पे मिलेगा 0%, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, इफ माई सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू, नेक्स्ट कंडीशन है मेरी 20,000 की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अपन 20,000 से कम है तो यहाँ पे मिलेगा 2%, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, इफ माई सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू, नेक्स्ट कंडीशन है मेरी 30,000 की, 30,000 से कम है तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, 6%, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, इफ माई सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू, नेक्स्ट कंडीशन मेरी 60,000 की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, उसके लिए आपको देना है 10, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और कभी उससे ज्यादा हो गया तो मैं इसी में दे रही हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन 12%। ऑल राइट, अगर 15,000 से कम है तो 0, 20,000 से कम है तो 2, 30,000 से तो 6, 60 से कम है तो 10, अगर उसे एक्सीड हो गया तो 12। आपने कितने ब्रैकेट ओपन किए, 4, तो आपको क्लोज भी करना है 4, 1, 2, 3, 4, एंटर, तो यहाँ पे आपको इसका अलाउंस मिलेगा। आप ड्रैग कर लो, आपको बाकी सबका ही मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो 10 से लेस है उसको 0 मिला है, जो 15 से 20 के बीच में 2, 6, और जो 30 टू 60 के बीच में 10, और अगर जो 60 से एक्सीडेड दैट है उसके लिए आपको 12 दिया गया है। पीएफ प्रोविडेंट फंड सेम तरीका है कैलकुलेट करने का, जैसे मैंने आपको टाइप वन में बताया, इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल 2% का पीएफ कट रहा है, एंटर, ऑल राइट। और टैक्स भी सेम तरीका है फंड आउट करने का, इक्वल्स टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल 1% का टैक्स कट रहा है आपकी सैलरी में से। और नेट मतलब ये सब जाकर इन हैंड आपके कितना सैलरी आएगी, तो इसके लिए इक्वल टू सैलरी प्लस अलाउंस माइनस पीएफ एंड माइनस टैक्स। ऑल राइट, सो 5,000 मुझे सैलरी, 0% अलाउंस, पी एफ कटा और टैक्स भी कटा, तो इन शॉर्ट आपके हाथ में आएगा 4,850। सो आज के वीडियो में हमने दो सैलरी शीट के टाइप किए हैं, वन एंड टाइप टू। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है, इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर, यू कैन कमेंट डाउन मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।